हे hey फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू मैं ब्लॉग में। बताऊँ आपको कि मेरे घर में सिविल का काम स्टार्ट हो चुका है, मीन्स कि BCCL क्वार्टर में सिविल का काम स्टार्ट हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ता है और कैसे काम होता है वो सब मैं आज लेके आई हूँ। आज मैं पूरा डिटेल बताऊँगी और दिखाऊँगी भी कि कैसे यहाँ पर काम होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे से रिलेटेड सारा वीडियो मिले और BCCL से जो भी इन्फॉर्मेशन, BCCL से रिलेटेड जो भी चीज होगा सब जानकारी यहाँ पे मिलेगा। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक सबसे करिए। पहले तो एरिया में एप्लीकेशन देना होता है, जैसे कि मैं बिजली वाले ब्लॉग में डाली थी, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है कि क्वार्टर रिपेयरिंग का टेंडर आता है, हम उसमें लोग आपको एरिया में एप्लीकेशन एप्लीकेशन दिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग का अप्रूव होके आया, उसके बाद काम स्टार्ट हो चुका है। तो काम क्या ठेकेदार के हिसाब से होता है, मतलब जो BCCL का जो भी होता है अंदर प्रोसेस, तो ठेकेदार के हिसाब से होता है, वो लोग लिए रहते हैं टेंडर। तो अभी हमारा काम स्टार्ट हो गया है। तो हमारे क्वार्टर में कुछ कुछ करवाना था, कुछ कुछ क्या था, ज़्यादा ही था। टाइलिंग का काम है, लकड़ी का, वुडन जो भी काम है सारा बचा हुआ है अभी, और पेंटिंग का काम था। तो अभी पेंटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अभी, ये क्या बहुत लंबा ब्लॉग चला जाएगा, इसलिए मैं दो दो करके ही लाऊंगी। अभी जो जो काम हुआ है बस मैं वही दिखाना चाहूंगी आपको, फिर कल आएगा नेक्स्ट ब्लॉग जो उसके आगे जो होगा। तो आप लोग देखिए, पहले तो ऐसा था, अब इसको पेंट होगा। तो सबसे पहले ये पुट्टी करेंगे, और क्योंकि ये सब जो स्टिकर वगैरह ना सब अभी उखाड़ रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें पुट्टी होगा, उसके बाद फिर आगे फिर उस पर पेंट होगा। तो यहाँ से ये पुट्टी करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी उखाड़ने और वाला था वो सब उखाड़ दिए, क्योंकि हम लोग पहले से स्टिकर लगा के रखे हुए थे। इस पर भी स्टिकर था, आपने देखा ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले हॉल में ही करवाए, तो ये पुट्टी कुछ इस तरह से हो गया है, मतलब आधा कर दिए हैं, अब इधर का बचा हुआ है और ये सब सब हो गया। ऊपर का छत तो कर दिए हैं, पूरा कंप्लीट ही हो गया। अब अभी घिसाई चल रहा है ना, ये ब्लॉग हम डालते हैं यूट्यूब पे, करिए काम। यूट्यूब में डलाएगा। हाँ घिसिए। तो आप ये मतलब प्राइवेट से भी काम करते हैं ना ये सब? जैसे कि आपसे कोई कांटेक्ट करेगा किसी का घर और पुट्टी उट्टी कराना है तो आप लोग आ जाइएगा। और ये लोग गोमो में ही रहते हैं, तो अगर आप लोग को कभी कुछ काम लगे, जैसे घर का पुट्टी वगैरह काफ़ी अच्छा करते हैं, तो इन लोग से कॉन्टेक्ट करिएगा। इसमें ये कलर तैयार किए हैं, तो मेरे तीन दीवार रहेगा ऑफ वाइट, तो वही तैयार करके रखे हैं। अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पुट्टी का तो हो गया है, घिसाई करने के बाद अब पेंटिंग कर रहे हैं। ऑफ वाइट का कलर ये दिए हैं। इधर एक दीवार को हम लोग डीप पिंक करवाए हैं, तो इधर से ये पिंक कर रहे हैं, उधर उधर ऑफ वाइट कर रहे हैं। इस तरह से पूरा दीवार बन के रेडी हुआ, देखिए ऑफ व्हाइट और ये डीप पिंक, इस तरह अच्छा से ऐसे लगा कलर आ रहा अच्छा है। निकला ये पुट्टी तो आप लोग अभी इस पे बताइए एक और और कैसा फोटो लगा आप लोग पुट्टी को ये इसमें थोड़ा कलर, अच्छे से दीजिए। कमेंट जरूर करिएगा। ये गेस्ट रूम है, तो उसी का ये पहले पुट्टी करें, एक वॉल भीगा रहता है ना, तो ये गेस्ट रूम का पुट्टी होने के बाद हम लोग डीप पिंक के साथ ही ये वाला कलर चूज किए हैं। तो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, अभी तो दो कोट होगा, अब एक एक ही सरपंच हुआ का है। काम लिया जाता है ना, इधर ये हॉल का नीचे वाला बाउंड्री को कर रहे हैं, नीचे नीचे जो होता है ना उसको कलर कर रहे हैं, उधर दो उधर लगे हुए हैं, एक इधर कर रहे हैं काम। तो देखिए फाइनली ये कलर निकल के आया है, और ये वाला तो डीप पिंक डलवाएंगे, सूखेगा तब, और ये कलर ऐसे आया है, देखते कैसा कॉम्बिनेशन लगता है। देखिए फाइनली ऐसे बन के निकला है इसका, और आप लोग बताइए कि ये कैसा लगा। हम लोग को तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइप से कलर, अभी सूखा नहीं है ना, सूखेगा तो। अब हम लेके चलते हैं पूजा रूम। तो पूजा रूम में क्या, ये लोग एक ही कलर से कर दिए, छोटा सा रूम है, स्टोर रूम बोल सकते हैं, उसी में हम लोग पूजा वूजा भी करते हैं, पूजा रूम बना के रखे हैं। तो फाइनली इस टाइप से पहले हम एक बार पूरा दिखा देते हैं आपको। ये रहा हॉल, तो हॉल का कुछ इस तरह से कलर हुआ है, देखिए डीप पिंक और ऑफ वाइट है ना,
अभी पूरा सामान वगैरह इधर रूम का रखा हुआ है। ये हो गया हॉल, अब हम लेके चलते हैं आपको गेस्ट रूम में। देखिए गेस्ट रूम में भी ये कलर है और डीप पिंक ही है ये भी। तो कैसा लगा हमारे घर का कलर आप लोग कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।